मोमिन, अगर वो लड़की चली गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। मैंने उसे जाने पे मजबूर नहीं किया, वो अपनी खुशी से जा रही। नहीं मोमिन, अपनी खुशी से नहीं, तुम्हारी खुशी की खातिर जा रही है वो। भाई, उसकी मोहब्बत का और कितना सबूत चाहिए आपको? शादी तो आपको किसी से करनी है, तो उससे क्यों नहीं, जिसकी मोहब्बत का यकीन हम सबको है। मोमिन बेटा, जिंदगी में बहुत सारे फैसले दूसरों की खुशी की खातिर भी करने पड़ते हैं। वक्त ने बहुत बदल दिया है। आप ऐसे तो नहीं थे भाई, आप तो एक अजनबी की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते थे, और माया के लिए तो कुछ कुर्बान भी नहीं करना। अपनी हना और खुदारी की कुर्बानी कोई कुर्बानी नहीं है तुम्हारे नजदीक? अना इंसान से गलत फैसले करवाती है, मत भूलो। अना ही इबलीस को एक फरिश्ते से शैतान बना देती है। जिसकी मोहब्बत का रोग पाल रखा है ना, वो खुश है अपनी जिंदगी में। आज मैं और एनी मार्केट गए थे तो वहां मिली थी आशी। भाई का तो क्या, आपका तक नहीं पूछा उसने। अच्छा किया उसने, नए रिश्ते निभाने के लिए पुराने रिश्ते भुलाने पड़ते हैं। आशी मुझे कभी नहीं भूल सकती। वो भूल चुकी है आपको, गलतफहमी से बाहर आ जाए। उसे तो याद भी नहीं होगा कि मोमिन भी कोई था, बल्कि रुखसत होने से पहले ही भुला चुकी होगी कि मोमिन भी कोई है। अगर मैं इद्दत में ना होती तो खुद जाकर रोक लेती आशी को। भाई, आशी जा चुकी है आपकी जिंदगी से, यकीन क्यों नहीं आता आपको? रहने तो फरी, इसे तो अब इस बात का भी यकीन नहीं है कि हम इसके अपने हैं। अगर इसे यकीन होता तो इस तरह से हमारी ख्वाहिश को रद्द ना करता ही। ऐसा मत कहिए अम्मा। और क्या कहूं, मैं मानती हूं हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने जिंदगी के एक नाजुक लम्हे में तुम पर एतबार नहीं किया। पर हमारी इस गलती ने तुम्हें हमसे इतना दूर कर दिया कि आज तुम्हें हमारी मिन्नतें, इल्तजाएं नजर ही नहीं आ रही, कोई मायने नहीं रखती। अम्मी बस तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अगर वो लड़की यहां से चली गई तो मैं सारी जिंदगी से एहसास जुर्म से बाहर नहीं निकल सकूंगी कि जिस लड़की ने मेरे बेटे की खातिर अपनी जात का तमाशा बना लिया, मैं उसके लिए कुछ ना कर सकी। जिसने अपनी जात को भुलाकर मेरे बेटे को इज्जत दिलाई, मैं उसे उसका मकाम ना दिला सकी। अम्मा, अगर आपकी नजर में ये एहसान है ना उसका, तो मैं नहीं मानता इस एहसान को। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा इख्तियार रखते हो मोमिन, इसलिए तुम्हें अब मैं कभी मजबूर नहीं करूंगी। भाई मान जाए प्लीज, मत रोको इसे। हमारी कोताहियों ने इसे बहुत बदल दिया। अब ये वो हमारा मोमिन नहीं रहा जो कहा करता था कि मेरे माँ बाप का हुक्म मेरे लिए इबादत का दर्जा रखता। आपके साथ एक बार मजाक किया था मैंने कि चाहे अम्मी बाबा कहें पूरी रात एक टांग पर खड़े रहो तो आपने कहा था वो भी मान लूंगा। बगैर टांग के खड़े होने का कह रही हैं अम्मा, वो भी एक रात नहीं जिंदगी भर। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है मन यार।